भौतिक विज्ञान में ध्वनि चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। इसके अलावा मैंने उसमें का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके उन्हीं वीडियो को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, तारत्व, प्रबलता और गुणता। केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, या फिर डी, केवल ध्वनि गुणता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन इस प्रकार से है, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन हमारा इस प्रकार से है, मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूज़िक या फिर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर डी, अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि। ऑप्शन इस प्रकार से, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रकाश गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंगों की बारंबारता के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या फिर ध्वनि की चाल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार से है, 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या फिर 30 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या फिर रमण प्रभाव। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार से है, 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकंड से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि का प्रभाव मानव कानों में कितने समय तक रहता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, 1/5 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक या फिर 1/2 सेकंड तक।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार से है, 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या फिर 100 फीट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। दोस्तों, स्टेथोस्कोप एक डॉक्टरी यंत्र है जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से होता है ये। तो दोस्तों, ये था भौतिक विज्ञान में ध्वनि अथवा साउंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 3। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे जाके मिलते रहे। और फिजिक्स तथा अन्य क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।